रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी किया करार। डूंगरपुर बस्ती मामले में आजम खान दोषी हुए साबित। आजम खान और ठेकेदार बरकत अली दोनों को मिलेगी सजा। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व सांसद आजम खान को डूंगरपुर बस्ती मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि साल 2019 में थानागंज में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में उनके साथ ठेकेदार बरकत अली को भी अदालत ने दोषी करार दिया है। आज एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजम खान पर यह कार्रवाई की गई है। रामपुर से यह खबर हमारे संवाददाता शहबाज खान ने कवर की है। आजम खान जरिए डीसी पेश हुए थे और 556/19 की जो फाइल लगी हुई थी, आज निर्णय में उसमें निर्णय आया है अदालत का, जो विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट सेशन कोर्ट डॉक्टर विजय कुमार की कोर्ट से आया है। इसमें आजम खान और बरकत अली इन दोनों लोगों की दोष सिद्धि की गई है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम निश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।